नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों WhatsApp पे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने चहेते को मैसेज डाल और मैसेज डालते ही क्या होता है कि उस पे सिंगल टिक लगता है। अब हमारे दिमाग में ख्याल चला करता है कि क्या यार इसने ब्लॉक कर दिया है, और कई कई बार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार, वो इतना मुझको पसंद करता है यार, वो मुझे कैसे ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों ये डाउट अगर आपको क्लियर करना है कि क्या उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है, आप अगर जानना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन में है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, वो आपको अपने WhatsApp कर लेनी, आप तुरंत जान जाएंगे कि सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। यहां पर दोस्तों मैंने अपना WhatsApp अकाउंट खोल लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहां पर एक चैट में मैसेज किया था, देख पा रहे होंगे आप, मैंने यहां पर सिंपल से लिखा हाय, उसके बाद नीचे लिखा कैसी हो, है ना, आप समझ पा रहे होंगे मैंने किससे मैसेज भेजा है। उसके बाद मैंने जैसे ही तीसरा मैसेज डाला हाय या हाय का, अब सिंगल टिक लगा है, कोई डबल टिक नहीं लगा है। यहां पर फिलहाल ऊपर डीपी नहीं दिख रही, लास्ट सीन नहीं दिख रही है, और मैं सिंपल से कंफ्यूज हूं कि क्या मैंने ब्लॉक कर दिया है या सामने वाले ने डेटा बंद कर लिया इसलिए डबल टिक नहीं लग रहा। बहुत दर्द रहते हैं दिल में, वो सारे आपको जानने को मिलेंगे, कैसे आप इससे जो है जान सकते हैं इसको। तो सिंपल से आपको क्या करना है, बैक आना है, बैक आने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद सिंपल से न्यू ग्रुप पर क्रिएट करना है। आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर रखा है और आप उसको लेकर के एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपसे वो ग्रुप क्रिएट नहीं होगा। किस तरीके से, देखिए इस वीडियो में। यहां पर सिंपल से मैं न्यू ग्रुप क्रिएट करता हूं, और यहां पर ये केके नाम का जो बंदा है उसको मैं सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर सिंपल से ओके करता हूं। ओके करने पर ग्रुप का नाम कोई डाल देता हूं, बाय चांस ओके मैंने ग्रुप का नाम डाल दिया ओके 5, और यहां पर सिंपल से यस पर जैसे ही क्लिक करता हूं, ग्रुप बनाने की मैं कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए यहां पर लिख करके आ गया यू कांट ऐड केके कुड नॉट, और यहां पर आप जाएंगे ऊपर देखेंगे तो आप यहां पर अपने ही नंबर को ग्रुप में ऐड पाते हैं, इसके अलावा नहीं। एक बार मैं फिर से आपको यहां पर ऐड करके नंबर दिखा रहा हूं, जैसे ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, केके को क्लिक करेंगे और यहां ऐड कर लेंगे। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिख करके आ रहा है कुडंट ऐड केके। तो दोस्तों अगर इस तरीके का मैसेज आपको शो होता है कुडंट ऐड जो भी आपका कॉन्टेक्ट है, तो आप समझ लीजिए कि सामने वाले कॉन्टेक्ट ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब इसका एक नया सलूशन है कि आप उससे ब्लॉक में, कई बार क्या होता है आप लोग ये सोचते रहते हैं खुद को अनब्लॉक कैसे करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी को भी अनब्लॉक करें। हाँ, इसका एक तरीका होता है कि आप ब्लॉक होने के बावजूद भी सामने वाले से बात कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके बताऊंगा कि बाय चांस आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है और तब भी आप उसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए नीचे आपको कमेंट डालना है कि ये सिंपल से लिखना है यस वीडियो बनाई। अगर आप ये कमेंट डालते हैं, ठीक है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी लाऊंगा और आप डेफिनेटली वहां पर ब्लॉक होने के बावजूद भी व्हाट्सएप पर सामने वाले से बात कर पाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।